Hello, I am Pushpraj. Welcome back to Thesis Work. Introduction to MATLAB के सीरीज में आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस. वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस क्या होता है इसके बारे में आज हम देखेंगे. वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस आर यूज्ड टू स्टोर सेट ऑफ वैल्यू. वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस को हम यूज करते हैं सेट ऑफ वैल्यू को स्टोर करने के लिए, वैसा वैल्यू जो सेम टाइप का हो. इसमें सेम टाइप का ही वैल्यू हम स्टोर करते हैं. वेक्टर इधर ए रो वेक्टर हो सकता है और एक कॉल्यूम वेक्टर हो सकता है. वेक्टर दो तरीके का होता है, या तो रो वेक्टर होगा नहीं तो कॉल्यूम वेक्टर होगा. ए मैट्रिक्स कैन बी विजुअलाइज्ड एज ए टेबल ऑफ वैल्यू. मैट्रिक्स जो है एक वैल्यू का टेबल की तरह विजुअलाइज्ड होता है. द डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स आर रो मल्टीप्लाई बाय सी, आर मल्टीप्लाई सी. ठीक है, आर को हम रो बोलते हैं और सी को कॉल्यूम. दिस इज प्रोनाउंस्ड बाय आर बाय सी, इसे प्रोनाउंस किया जाता है आर बाय सी, रो बाय कॉल्यूम. इफ अ वेक्टर हैज एन एलिमेंट्स, एन अरो वेक्टर वुड हैव डायमेंशन 1 मल्टीप्लाई बाय एन, बिकॉज हियर इज एन एलिमेंट. बट वेक्टर कैसा है, ये रो वेक्टर, एक रो में एन एलिमेंट है. ठीक है, एक रो में कितना है, एन एलिमेंट है, तो इसे हम बोलेंगे रो वेक्टर, प्रोनाउंस करेंगे इसे 1 मल्टीप्लाई बाय एन. एंड अ कॉलम वेक्टर वुड हैव द डायमेंशन एन मल्टीप्लाई बाय 1. ठीक है, कॉल्यूम वेक्टर मतलब क्या है कि एक कॉल्यूम में एन एलिमेंट है, तो इसे हम मल्टीप्लाई प्रोनाउंस क्या करेंगे, कॉल्यूम वेक्टर एन मल्टीप्लाई बाय 1. ठीक है, मतलब इसमें एन रो हो गया और एक कॉल्यूम हो गया. ठीक है, तो रो बाय कॉल्यूम, तो एन रो एन टू 1. ठीक है, और स्केलर क्या होता है, स्केलर मीन्स 1 वैल्यू, स्केलर मीन्स 1 वैल्यू, वेक्टर मीन्स 1 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यू. ठीक है, बट ये भी सिंगल ही होगा. ठीक है, या तो रो होगा नहीं तो कॉल्यूम होगा, एक ही डायरेक्शन. ठीक है, हेयर आर सम डायग्राम, हेयर आर सम डायग्राम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अ स्केलर, अ कॉल्यूम वेक्टर, अ रो वेक्टर एंड अ मैट्रिक्स. ठीक है, सबसे पहले ये हमारा है स्केलर. स्केलर हमेशा 1:1 के ही फॉर्म में होता है, 1:1. कॉल्यूम वेक्टर हमारा ये है, एक कॉल्यूम में हमारे पास 3 एलिमेंट है, इसे हम पढ़ेंगे 3:1, 3 रो बाय 1 कॉल्यूम. ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है दिस वन, एक रो में हमारे पास कितना है, 4 एलिमेंट है. ठीक है, एक रो में 4 एलिमेंट है, इसे हम क्या पढ़ेंगे, 1:4. ठीक है, और दिस इज रो वेक्टर, दिस इज रो वेक्टर एंड दिस इज कॉल्यूम वेक्टर. ओके, नेक्स्ट दिस इज मैट्रिक्स. ठीक है, मैट्रिक्स आप लोग सभी जानते हैं, यह होता है 3:3. मैटलैब इज रिटेन टू वर्क विथ मैट्रिसेस. मैटलैब को लिखा गया है मैट्रिक्स के साथ वर्क करने के लिए. ओके, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मैटलैब इज शॉर्ट फॉर मैट्रिक्स लेबोरेटरी. फॉर दिस रीजन इट इज वेरी ईजी टू क्रिएट वेक्टर एंड मैट्रिक्स वेरिएबल्स. मैटलैब के अंदर यदि हमें वेक्टर और मैट्रिक्स क्रिएट करना है तो अंदर जितना भी सॉफ्टवेयर होता है, जितना भी हम कोडिंग करते हैं, जिसमें भी सारे से सबसे ज़्यादा आसान इसी में होता है. ठीक है, बिकॉज इसको डिजाइन ही किया गया है स्पेशल मैट्रिक्स के लिए. एंड देयर आर मेनी ऑपरेशन एंड फंक्शंस दैट कैन बी यूज्ड ऑन वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस. मैटलैब के अंदर ढेर सारा ऑपरेशन और फंक्शन है जो कि वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस के लिए, वेक्टर्स यहाँ पे ढेर सारा ऑपरेशन और फंक्शन है जो यूज होता है वेक्टर्स और मैट्रिसेस पर. अ वेक्टर इन मैटलैब इज इक्विवेलेंट टू व्हाट इज कॉल्ड 1-डाइमेंशनल एरे. सिंपल, वेक्टर या तो हमारे पास क्या होता था, सिर्फ रो वेक्टर नहीं तो कॉल्यूम वेक्टर,
यदि रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर दोनों को यदि मिक्स कर दिए, तुम्हारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या है कि वेक्टर्स हमारा वन डायमेंशनल एरे होता है, ठीक है। अदर लैंग्वेज में वन डायमेंशनल एरे इसको बोलते हैं। ए मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू टू डायमेंशनल एरे, ठीक है। मैट्रिक्स हमेशा टू डायमेंशनल एरे होगा। यूजुअली इवन मैटलैब सम ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन इधर वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस, ठीक है, आर रेफर टू एरे ऑपरेशन, ठीक है। कोई भी ऑपरेशन यदि हम सिर्फ वेक्टर के साथ करते हैं या मैट्रिसेस के साथ करते हैं, ठीक है, वेक्टर को भी एरे बोल सकते हैं, मैट्रिसेस को भी एरे बोल सकते हैं। वेक्टर इज वन डायमेंशनल एरे, मैट्रिसेस इज टू डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो इस दोनों को क्या बोलेंगे हम, एरे ऑपरेशन करते हैं हम, क्या है, एरे ऑपरेशन ही करते हैं, या तो वेक्टर का करें या मैट्रिसेस का करें, ठीक है। द टर्म एरे आल्सो फ्रीक्वेंटली इज यूज्ड टू मीन जेनरिकली इधर अ वेक्टर और मैट्रिसेस, ठीक है। एरे को हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस दोनों इसमें आ जाता है, ठीक है, इसलिए हम एरे की यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिंग रो वेक्टर्स। क्रिएटिंग रो वेक्टर्स, देयर आर सेवरल वे टू क्रिएट रो वेक्टर्स वेरिएबल्स। बहुत सारा वे है मैटलैब के अंदर जिसमें हम रो वेक्टर क्रिएट करते हैं। द मोस्ट डायरेक्ट वे इज टू पुट द वैल्यूज दैट यू वांट द वेक्टर इन ए स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। सबसे डायरेक्ट वे क्या है, सबसे आसान वे, कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं एंड सेपरेट करते हैं, या तो स्पेस से और या कॉमा से, ठीक है, या तो स्पेस से सेपरेट करेंगे और या कॉमा से। एग्जाम्पल के लिए बोथ ऑफ दिज असाइनमेंट स्टेटमेंट क्रिएट द सेम वेक्टर वी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, हमने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट लिया दो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या किया, 1, 2, 3, 4, ठीक है, चार एलिमेंट हमने क्या किया इसके अंदर डाल दिया, और चारों को स्पेस दे दिया हमने स्पेस से, ठीक है, स्पेस डाल दिया चारों में, हमारा एक वेक्टर क्रिएट हो गया, वो वेक्टर 1, 2, 3, 4, ठीक है। या तो हम स्पेस से कर सकते हैं या इसमें कॉमा डालकर हम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट हम दोनों में यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा आ जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। मैटलैब में आपको हम दिखला देते हैं, दिस इज कमांड विंडो, यहाँ पर टाइप करेंगे, एक वेक्टर लेता हूँ हम, वी इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के बाद हम कॉलम नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि हमें रिजल्ट चाहिए कमांड विंडो में ही, ठीक है। 1 स्पेस 2 स्पेस 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4, देन इंटर। इंटर के बाद हम देखते हैं यहाँ पे वेक्टर हमारा एक क्रिएट हो गया, दिस इज रो वेक्टर, इसमें हमारे पास चार एलिमेंट है, ठीक है, इसे हम क्या पढ़ेंगे, रो वेक्टर है, चार एलिमेंट है, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, 1/4। नेक्स्ट हमारा है बी, नेक्स्ट हमें वही करना है, बट क्या करना है, बीच में कॉमा देना है, ठीक है। हम लिखेंगे बी स्क्वायर ब्रैकेट वी इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, देन इंटर, ठीक है। बोथ वे रिजल्ट हमारा सेम आएगा, ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं किस तरीके से वेक्टर क्रिएट करते हैं, वेक्टर हमारा वन डायमेंशनल एरे होता है। नेक्स्ट हमारा है कॉलन ऑपरेटर और लाइन स्पेस फंक्शन। कॉलन ऑपरेटर और लाइन स्पेस फंक्शन, ठीक है। इफ एज इन द अर्लियर एग्जाम्पल द वैल्यू इन द वेक्टर रेगुलरली स्पेस्ड द कॉलन ऑपरेटर, ठीक है, कैन बी यूज्ड टू इटरेट, ठीक है, थ्रू दिस वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल 1:5, 1 के बाद कॉलन ला दिया, ठीक है, कॉलम के बाद क्या हो जाएगा, 5 हमने यहाँ पे एंटर कर दिया, मतलब कि अब यहाँ पे रिजल्ट होगा 100, 1 से लेकर 5 तक, ठीक है। ये क्या किया, 1 कॉलन ऑपरेटर एंड नेक्स्ट हमारा आ गया 5, रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक उसी तरीके से, ठीक है। इसमें क्या है, बस डिफरेंस क्या हुआ दोनों में, कि अगर 1 से 5 तक हमें, 1 से 5 तक कंटिन्यूस हमें अगर प्रिंट कराना है, ठीक है, वैल्यू इंटर करना है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। बट यदि हमें
खुद से, ठीक है, खुद से मैनुअली करना है एंटर, बीच में कुछ 9 फीट 11 कुछ भी डाल देना है तो हम उसी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, कहता क्या है कि द वैल्यू इन द वेक्टर्स आर रेगुलरली स्पेस्ड, ठीक है, वैल्यू जो वेक्टर में दिया है वो हमेशा स्पेस बराबर बराबर दिया गया, ठीक है। और द कॉलन ऑपरेटर कैन यूज टू आइटरेट थ्रू दीज वैल्यू, कॉलन ऑपरेटर क्या करता है, इसी वैल्यू को आइटरेट करता है, ठीक है, उतना ही, जैसे एक के बाद एक स्पेस तो 2, 2 के बाद 1 स्पेस 3, 3 के बाद 1 स्पेस 4, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस को रेगुलरली यह मेंटेन रखता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, नोट दैट इन दिस केस ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट आर नॉट नेसेसरी, ठीक है, टू डिफाइन द वेक्टर, ठीक है। नोट करने वाली बात क्या है इसमें कि स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे जरूरी नहीं है, ठीक है, सिर्फ हम लिखेंगे 1:5 तो 1:5, ठीक है। दूसरा हमारा है, जैसे यहाँ पे हम एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है, ये हमारा देख लो, विद द कॉलन ऑपरेटर स्टेप वैल्यू, ठीक है। कॉलन का मतलब क्या हुआ, स्टेप, कॉलन का मतलब क्या हुआ, स्टेप। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया 1:5 मीन्स क्या हुआ, 1 से 5 तक तो चलना है, ठीक है। अगर कुछ नहीं दिया तो सिर्फ एक स्पेस ही हमें मानना है, ठीक है, एक स्पेस एज्यूम करना है, जैसे 1 से 5 तक चलना है, एक स्पेस एज्यूम किया, 1 से स्पेस 2, 2 में 1 स्पेस 3, 3 में 1 स्पेस 4, 4 में 1 स्पेस 5, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, अगर इस तरीके से लिख दी 1:2:9, ठीक है, 1:2:9, ठीक है, यहाँ क्या है, 1 से लेकर 9 तक चलना है, 1 से लेकर 9 तक चलना है, बट स्पेस जो हमारा है 2 मानना है, ठीक है, स्पेस हमारा 2 मानना है, जिसे 1 और 3 के बीच में कितना स्पेस आ गया, 2, 3 और 5 के बीच में स्पेस आ गया, 2, 5 और 7 के बीच में 2 और 7 और 9 के बीच में 2, ठीक है। हम इसे देख लेते हैं कमांड विंडो के अंदर, ठीक है। जैसे हमारा एक वेक्टर है, जो हमारा वेक्टर है वी, टाइप करते हैं v=1:4 इंटर, ठीक है, ठीक उसी तरीके से 1 से 4 तक, बट इसमें क्या हुआ, स्पेस एक एक ही आएगा, ठीक है। फिर हम टाइप करते हैं v टाइप किया हमने, बट हमने क्या करना है, 1 से 4 के बीच में 0.5 का डिफरेंस देना, ठीक है, 0.5, अगर 0.5 का डिफरेंस देते हैं तो 0.5 करके हमारे बढ़ते हुए आएगा, ठीक है, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 एंड 4। नेक्स्ट क्या है हमारा, लाइन स्पेस फंक्शन, लाइन स्पेस फंक्शन मैटलैब के अंदर बना हुआ है, लाइन स्पेस, ठीक है, लाइन स्पेस। यह क्या करता है, लाइन स्पेस के अंदर हम क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं, x, y, n, ठीक है। अगर x, y, n दिए, मतलब क्या हुआ कि इसे वेक्टर क्रिएट करना है, इसे वेक्टर क्रिएट करना है विथ n वैल्यू, n वैल्यू का वेक्टर होगा और रेंज कहाँ से होगा, x to y, ठीक है, n वैल्यू का वेक्टर होगा, मतलब इस वेक्टर में n वैल्यू होगा और इसका रेंज होगा x to y, ठीक है। हम देख लेते हैं, लाइन स्पेस आर्गुमेंट दिया हमने 3, 1, 5 एंड 5, मतलब 5 वैल्यू होगा, n 5 है, 5 वैल्यू होगा इस रो वेक्टर में, एंड 3 से लेके 15 तक यह जो है सो कि कंटिन्यू करेगा, 3 से 15 तक 5 वैल्यू को प्रिंट कराएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, लाइन स्पेस फंक्शन। नेक्स्ट हमारा है, वेक्टर वेरिएबल कैन आल्सो बी क्रिएटेड यूजिंग एग्जिस्टिंग वेरिएबल्स, ठीक है। यदि हमने पहले कोई वेक्टर बनाया हुआ है उसे यूज करके हम नेक्स्ट वेक्टर जो है क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, पहले हमने बनाया था, मान लो कोई वेक्टर हमने पहले बनाया जो 1 से लेके 9 तक, ठीक है, 2-2 का डिफरेंस करके वैल्यू प्रिंट करा रहा था, ठीक है, और उसमें हम क्या है, ये वाला वेक्टर का वैल्यू इसमें इंक्लूड कर देना, ठीक है। हम क्या करेंगे, न्यू वेक्टर लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, पहले वाला वेक्टर और अभी नया वाला वेक्टर, ठीक है, दोनों को जब मिलाएंगे हमारे पास आ जाएगा न्यू वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं वेक्टर 1 इज इक्वल टू जो हम क्रिएट करते हैं 1:2 का स्पेस देते हैं 9, ओके, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। वेक्टर टू का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं हम लाइन स्पेस का, LINSPACE, लाइन स्पेस का
क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या करते हैं, जैसे मान लो 3 से लेकर 15 तक वैल्यू हमें प्रिंट कराना है, और कितना प्रिंट कराना है, हमें 6 वैल्यू चाहिए, ठीक है। हमें इसमें 6 चाहिए। यहाँ पे क्या आ गया, एरर आ गया, ठीक है। एरर की वजह हम देख लेते हैं। एरर आ गया, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रैकेट दे दिया था स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट नहीं देना यहाँ पे, यहाँ पे देना है कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट देंगे, 1 मिनट। कर्ली ब्रैकेट दिया हमने, किया इंटर, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास, 3 से लेकर 15 तक हमारे पास 6 वैल्यू इंटर हो गया, यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, ठीक है। तो मैटलैब में हम किस तरीके से मैट्रिसेस और वेक्टर, और किस तरीके से वेक्टर हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, आज के लेक्चर में हमने देखा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा रेफरिंग एंड मॉडिफाइंग एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट को मॉडिफाई करेंगे और कैसे हम एलिमेंट को रेफर करते हैं उसके ऊपर होगा नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।